देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। ग्राम पंचायत सिमरा खुर्द में एक मामला सामने आया है जिसमें ग्राम पंचायत दवरा तालाब की पिचिंग कार्य कराया जाना था परंतु काम अधूरा ही छोड़ दिया गया है। वहीं कुछ माह बाद बरसात भी शुरू होने जा रही है। मास्टर भी ऐसे में व्यक्तियों के नाम भरे गए जिसके द्वारा एक भी दिन ग्राम पंचायत में कार्य नहीं किया गया। व्यक प्रशासन के नुमाइंदे वहां के सचिव सेक्रेटरी सरपंच मिलकर फर्जी कार्ड बनवाकर शासन का पैसा क्या दुरुपयोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस व्यक्ति का मजदूरी कार्ड बना है उस व्यक्ति को इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। हमारे जब मीडिया के मित्र भाई उनसे मिलने गए तो उनसे पूछते हैं तब वो अपनी बीती बातें सामने बताते हैं। आप सुन सकते हैं हमारी जब मीडिया के भाई सहायक सचिव से वाइट मांगते हैं तो वहां के मेन सचिव कालीचरण पटेल ने वाइट देने से साफ मना कर दिया। भारत न्यूज टीवी से शमीम अहमद खान की खास रिपोर्ट। कितनी प्रॉब्लम पड़ती है जी, वो तो ग्राम पंचायत वालों से ही पूछ लीजिए आप। एक ग्राम पंचायत में जैसे सामने बोरिंग दिख रहा है और इधर भी दो बोर है तो इसकी क्या स्थिति है, चालू है वर्तमान में? कुछ चालू नहीं है, इसमें जो भी इसमें मोटर डाला गया था इसे पूर्व सरपंच के द्वारा निकाल लिया गया है जी। और यहाँ पे कुछ भी पानी की व्यवस्था कुछ भी नहीं है जी। यहाँ पे अपना शौचालय है वो भी जी। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। कौन सी ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत सिमराखुर्द। ग्राम पंचायत सिमराखुर्द में क्या कुछ मामला है? ग्राम पंचायत सिमराखुर्द में रोड का पैसा निकला 15 लाख जी, वो काम पूरा नहीं हुआ। किस वर्ष में पैसा निकला था ये? 14 अभी निकला, अभी पैसा निकला है और वो काम पूरा नहीं हो। 9 लाख पिचिंग का निकला है वो भी काम पूरा नहीं हो। 5 लाख 40,000 क्रिकेट ग्राउंड का निकला वो भी पूरा नहीं हुआ। वो सचिव द्वारा खाया गया, कालीचरण सचिव है जी और सहायक सचिव है अजय प्रजापति जी। तो ग्राम पंचायत में ऐसा कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। अच्छा, वर्तमान में काम चालू है, काम बंद पड़ा हुआ, पेंडिंग में पड़ा है? अच्छा, काम क्यों नहीं कराया जाना? ग्रामीणों ने कुछ जानकारी ली है ग्राम पंचायत? जानकारी नहीं। अच्छा, कितनी लंबाई थी रोड की आपके? कहाँ से कहाँ तक बनाया जाना था? ग्राम पंचायत से और मुख्यमंत्री सड़क के बीच में बनाना था। अच्छा, और जो पिचिंग कराई जानी थी तालाब में उसकी लंबाई वगैरह कितनी थी? कितना आया था तालाब के लिए बजट? 15 लाख। कितना? 9 लाख। 9 लाख आया था तालाब के लिए। हाँ। और 15 लाख आया था रोड के लिए। तालाब में क्या काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ, 4-6 बोल्डर लगा वो भी 1.5 लाख की पत्थर लगी वो भी जेसीबी से मिट्टी डला दी गई है। अच्छा, जेसीबी प्रयुक्त की गई, कभी चली थी जेसीबी? जब काम स्टार्ट हुआ लगभग कितने दिन पहले? मतलब एक महीना के पहले, वो भी उसके फंड में पैसे आए थे जी। वो ना तो मेरे खाते में पैसा आ रहा जी, ये ना कुछ हो रहा ना मेरे को पता चल रहा कि कैसे बना क्या हुआ। अच्छा, जो ये खाते में इसमें जॉब कार्ड में पेमेंट दिखा रहा है उस पे तो आ रहा है, लेकिन खाता नंबर जो लगा है वो आपका नहीं है क्या? नहीं, हमारा नहीं। खाता नंबर भी आपका नहीं? नहीं, हमारा नहीं लगा। अच्छा, जॉब कार्ड आपका है, खाता नंबर किसी और का लगा दिया? जॉब कार्ड भी नहीं बना है हमारा, हमारे पास तो है ही नहीं है कुछ। अच्छा, जॉब कार्ड भी नहीं है? इसमें ये कौन कौन क्या कर रहे हैं? ये है सेक्रेटरी है, जैसे सचिव सेक्रेटरी है और वो बड़े सेक्रेटरी है, सरपंच है। अच्छा, यही सब लोग मिली भगत है। अच्छा, यही लोग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रमोद पटेल। प्रमोद पटेल जी, पिता रामनाथ पटेल। रामनाथ, और एक महिला का भी नाम उसमें जुड़ा हुआ है जी, वो कैसे जोड़ दिया ने? हमको क्या पता, हमारी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। वो महिला कौन से कास्ट की है? वो आदिवासी बता रहे, चन्नी आदिवासी। अच्छा, आदिवासी, आपके जॉब कार्ड पे आदिवासी का नाम जोड़ दिया गया है जी। सर कौन सी ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत सिमराखुर्द। क्या कुछ मामला है ग्राम पंचायत का? ग्राम पंचायत सिमराखुर्द का ये मामला है कि रोड के लिए पैसा निकला है जी। कितनी तो राशि निकली थी उसके लिए? 15 लाख रुपए निकला। कहाँ से कहाँ तक रोड का निर्माण कार्य होना था? ग्राम पंचायत है ना जो जी, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में जुड़ना था। लगभग कितनी लंबाई रही होगी? 1 किलोमीटर के आसपास। अच्छा, तो क्या निर्माण कार्य किया है ग्राम पंचायत ने इसमें? निर्माण कार्य आपको सामने दिख रहा है जी, मतलब काम हुआ है वैसे हुआ है जी, आधा पैसा निकल गया है पूरा जी, बाकी काम कुछ नहीं हुआ है। बारिश आने वाली है 2 माह बाद, तो बारिश में रोड ग्रामीण उपयोग कर पाएंगे? उपयोग बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, निकलने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, तो इसमें मुर्मीकरण वगैरह का कुछ उपयोग हुआ है नहीं हुआ है? बस मुर्मीकरण नहीं हुआ है, बल्कि मतलब जो हाईवे है ना अपना जैसा जी, उसके लिए पैसा निकला था 15 लाख रुपए 1 किलोमीटर के लिए निकला है। अच्छा, आप भी बता सकते हैं थोड़ा सा जी। तो इसमें मुरुम वगैरह तो कहीं नहीं दिख रहा, मिट्टी नजर आ रही है? मिट्टी नजर है, बालू। अच्छा, इसके अलावा दूसरा क्या मामला है? तालाब का मामला है अपना। अच्छा, पिचिंग का, उसके लिए पैसा निकला था 9 लाख रुपए। अच्छा, तो वो भी काम पूरा नहीं हुआ है जी। क्या काम करवाया है 9 लाख रुपए में? 9 लाख रुपए में खाली एक ट्रक बोल्डर आया है। अच्छा, इसमें से
पट बिछा के जी और सब वैसे ही पड़े हैं। कितने दिन काम चला होगा और लगभग कितने लेबर ने काम किया होगा? दो आदमियों ने काम किया है जी, लगभग काम हुआ है। और अच्छा जेसीबी प्रयोग की गई थी? जेसीबी प्रयोग की गई है। क्या जेसीबी ने क्या काम किया था इस तालाब में? इस तालाब में बस ये मिट्टी डाली है। अच्छा, और वो जो बोलर आए ना, अच्छा, उनके ऊपर से मिट्टी डाल दी है जी। तीसरा क्या मामला है आपके ग्राम पंचायत? सर वर्तमान में आप ग्राम पंचायत सिमरा खुर्द में एज अ सचिव पद पर पदस्थ हैं। ग्राम पंचायत सिमरा खुर्द के स्थानीय निवासियों ने जो रोड निर्माण कार्य हुआ है सिमरा खुर्द का और तालाब निर्माण कार्य हुआ, खेल मैदान हुआ है, उसके संबंध में कुछ जानकारी दी, क्या कहेंगे आप लोग इस संबंध में? क्या जानकारी दी है? जानकारी दी कि तालाब निर्माण कार्य का जो राशि थी, राशि निकाल करके पूरा काम नहीं हुआ है, इसके अलावा रोड में मुरमीकरण नहीं हुआ है और खेल मैदान में कोई भी काम नहीं हुआ है, तो क्या कहेंगे संबंध में? खेल मैदान का तो काम ही चालू नहीं हुआ है अभी जी, और रोड का काम चल रहा है। अच्छा, मुरम डल गई है। अच्छा, और रिक्टा भी बन गया है। अच्छा, और बताओ। तालाब में ये जानकारी मिली कि एक ही ट्रक पत्थर का उपयोग करके पूरा काम कर दिया गया है। एक ट्रक में हो जाएगी उतनी लंबी पिचिंग? आप बताइए ना इसमें क्या जानकारी। 120 मीटर लंबी पिचिंग है जी, एक ट्रक में संभव है वो बताओ आप। और इसके अलावा जेसीबी का उपयोग भी किया गया है तालाब निर्माण कार्य में? कहीं जेसीबी का हम लोगों ने नहीं किया, कोई प्राइवेट आदमी हो सकता है। अच्छा, वो तालाब निर्माण कार्य कर सकता है क्या? क्या तालाब का निर्माण कार्य ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो आता है, हाँ। स्थानीय निवासी क्यों उसका निर्माण कार्य करेंगे? नहीं, हमें उसकी जानकारी नहीं है। चले, क्या नाम आपका? काली।